हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 द केक थीफ, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 3। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ स्टार्ट। इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही सुबह का टाइम है। द पीपल ऑफ द हाउस हैड नॉट येट वोकन अप, जो घर के लोग हैं वो अभी तक जगे नहीं हैं। मिटी माउस सेड टू हिज मदर, मामा दीज पीपल आर सो काइंड। मिटी माउस इज़ अ चाइल्ड ऑफ अ मदर माउस। मिटी माउस इज सेइंग टू हर मदर दैट मामा दीज पीपल आर सो काइंड, ये लोग बहुत अच्छे हैं। दे लीव सच नाइस थिंग्स इन द किचन फॉर अस टू ईट, वो लोग किचन में बहुत ही अच्छी चीज़ें हम लोग के लिए रखे हैं कि हम लोग उसे खा सकें। विथ अ ट्विंकल इन हर आई मामा माउस सेड वेल आई डोंट थिंक दे लाइक अस मिटी। फिर मामा क्या बोलती हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो हम लोग को पसंद करते हैं। यू आर नॉट लुक अबाउट इन द हाउस अलोन, तुम अकेले घर में नहीं जा सकते हो। यू थिंक दे आर काइंड, तुम्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं। बट दे मे स्टिल ट्राई टू कैच यू, बट तब भी वो लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। मिटी डिड नॉट एग्री एट ऑल, मिटी जो है अपनी माँ की बात पे एग्री नहीं होता है। ही वॉज क्वाइट श्योर ही कुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, वो ये चीज़ के लिए बहुत ही श्योरिटी, बहुत ही पक्के के साथ कह सकते हैं कि वो अपने देखभाल खुद से कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, सून मामा माउस कर्ल्ड हरसेल्फ अप फॉर हर आफ्टरनून नैप, बहुत ही जल्दी जो मामा माउस है वो कर्ल्ड करती है। कर्ल्ड मतलब अपने को सोने की, मतलब हल्का सा सोने की तैयारी करती है। क्यों? आफ्टरनून के लिए। नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, सोने के लिए। मिटी स्कैम्पर इन टू द किचन, मिटी जो है जल्दी से दौड़ते हुए किचन में चला जाता है। एंड देयर ऑन द किचन टेबल वॉज द मोस्ट वंडरफुल थिंग, अ लार्ज केक विथ ब्यूटिफुल पिंक एंड वाइट आइसिंग। जब वो किचन में जाता है तो क्या देखता है, किचन के टेबल पे बहुत ही अच्छी चीज़ रखती है। वो क्या रहती है, एक बड़ा सा केक रहता है पिंक कलर का और वाइट कलर की उसकी आइसिंग रहती है। आइसिंग मतलब जो क्रीम उसके ऊपर लगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, मिटी लिक्ड हिज लिप्स एज ही स्निफ्ड इट, मिटी हल्का सा अपना जो लिप्स है उस केक के ऊपर लिक करता है। आई मस्ट टेस्ट दिस एंड ही स्टार्टेड निबलिंग इट, वो मिटी बोलता है कि मुझे इसको एक बार टेस्ट करना चाहिए और फिर वो स्टार्टेड निबलिंग इट। निबलिंग मीन्स टेकिंग स्मॉल बाइट, वो छोटा सा टुकड़ा उसमें से लेता है टेस्ट करने के लिए। ही डिड नॉट नो ही वॉज निबलिंग अवे एट लिटिल मिस ब्लूबेल्स बर्थडे केक, उसे ये नहीं पता रहता है कि जो केक वो टेस्ट करता है वो छोटी बच्ची जो कि जिसका नाम है मिस ब्लूबेल, उसका बर्थडे केक है। देन ही हर्ड अ साउंड, तब उसे एक साउंड सुनाई देता है, एक आवाज़ सुनाई देती है। ओ डियर दैट्स मामा वेकिंग अप, फिर उसकी मामा उठते हुए बोलती है ओ डियर, अपने बच्चे को खोजती है मिट्टी को। ऑफ ही रैन एंड वॉज बैक इन अ होल अगेन, वो तुरंत दौड़ते हुए अपने होल में मामा के पास पहुंच जाता है। मामा माउस सैड रबिंग हर आइज, मामा माउस जो है अपनी आँख को रब करते हुए देखती है। टाइम फॉर सम फूड मिटी, फिर मामा माउस बोलती है कि अब जो है कुछ खाने का टाइम हो गया है, लेट्स गो शी सैड। नाउ नेक्स्ट, सो मिटी एंड मामा स्कैम्पर्ड इन टू द किचन, फिर मिमी और मामा जो है दौड़ते हुए किचन में चले जाते हैं। वेन शी सॉ द होल इन द केक शी वॉज एनॉयड, जब वो केक में होल देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। एनॉयड मतलब एंग्री, बहुत तेज गुस्सा आता है। सम अदर माउस हैज़ बीन हियर बिफोर अस, हम लोग से पहले कोई दूसरा माउस यहाँ पर आया था। शी सेड She never guessed that it was her own little son. वो ये चीज़ कभी नहीं सोची कि उसका खुद का बच्चा ही ऐसा किया है। Next morning, Mitty popped into the kitchen again when his mother was asleep. अगले दिन फिर से मिट्टी जो है किचन में दौड़ते हुए जाता है जब उसकी मम्मी सोती रहती है। At first, he could find nothing to eat. पहले उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। But there was a delicious smell of cheese. लेकिन वहाँ पे बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है चीज़ की। He looked around and found a small wooden house in a corner on the floor.
वो हर तरफ देखता है तो उसे क्या दिखता है, एक छोटा सा स्मॉल कलर छोटा सा वुडन हाउस रहता है, वुड का जो लकड़ी का घर बना रहता है इन अ कॉर्नर ऑफ द फ्लोर, एक फ्लोर के कॉर्नर में। एंड देयर हंग द चीज, वहाँ पे चीज लटका रहता है, जस्ट इनसाइड इट, उसके अंदर। इन रैन मिटी एंड क्लिक वेंट द वुडन हाउस, मिटी वॉज कॉट इन अ ट्रैप। जब मिटी उस चीज को खाने के लिए उस वुडन हाउस के अंदर जाता है तो एक आवाज़ आती है क्लिक करके, और वुडन हाउस में वुडन हाउस का तो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी वहाँ पे फंस जाता है। नाउ नेक्स्ट, अ लिटिल लेटर अ वुमेन केम इन टू द किचन, थोड़ी देर बाद एक वुमेन जो है किचन में आती है। शी कॉल्ड अ प्रिटी लिटिल गर्ल टू कम एंड सी द थीफ हु हैड ईटन हर केक, वो अपनी बच्ची को बुलाती है और दिखाती है उस चोर को जिसने उसका केक खाया था। वॉट आर यू गोइंग टू डू विथ हिम मम्मी, आस्क्ड ब्लू बेल। ब्लू बेल जो रहती है वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी अब हम लोग इस केक के साथ क्या, अब हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, मिट्टी के साथ, वॉट वी विल डू। वाई फीड हिम टू किटी, ऑफ कोर्स हर मदर सेड, हम लोग इसको बिल्ली, किटी इज अ कैट, तो हम लोग उसे दे देंगे ताकि वो इसे खा जाए। ब्लू बेल काइंड हार्टेड मेल्ट मेल्टेड व्हेन शी सॉ द टाइनी माउस, ब्लू बेल जो है वो बहुत ही अच्छी दिल की रहती है, उसे बहुत बुरा लगता है जब वो उस छोटे से चूहे को, माउस को देखती है। यू डिड नॉट नो इट वॉज स्टीलिंग डिड यू लिटिल माउस, शी आस्क्ड मिटी। तुम्हें मिटी क्या तुम्हें पता था कि यहाँ पे चोरी हुई है, डिड यू लिटिल माउस क्या तुमने ऐसा किया है। नो स्क्विस्ट मिटी सैडली, मिटी चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है। एज सून एज हर मदर्स बैक वॉज टर्न, काइंड हार्टेड ब्लू बेल ओपन द डोर ऑफ द ट्रैप, जहाँ उसकी मम्मी का जो चेहरा है दूसरे तरफ घूमता है, तुरंत ब्लू बेल क्या करती है, जो डोर रहता है वुडन बॉक्स को, उसको खोल देती है। तो मिटी रश्ड आउट, मिटी तुरंत दौड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। नाउ नेक्स्ट, मिटी रैन होम टू हिज मदर एज फास्ट एज ही कुड, मिटी जितना तेज हो सकता था वो तुरंत अपनी माँ के पास, मम्मा के पास जाने लगता है। शी कम्फर्टेड हिम, वो उसे कम्फर्ट मीन काम समवन, मतलब उसे बहुत ही अच्छे से अपने पास बैठा लेती है। एंड ही फेल्ट सेफ अगेन, फिर से उसे अपने को सेफ, मतलब अब अपने को वो सुरक्षित महसूस करता है। ही प्रोमिस्ड नेवर टू डिसओबे हर अगेन, वो अपनी मामा से मिट्टी प्रोमिस करता है कि वो अब उनकी बात हमेशा मानेगा, उनकी बात पे इग्नोर नहीं करेगा। एंड यू कैन बी श्योर ही नेवर डिड, और उसकी माँ बोलती है कि अब तुम श्योर रहो कि अब तुम्हें ऐसा गलती नहीं करना है। चैप्टर नंबर 5 द केक थीफ इज कंप्लीटेड विथ एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट, आई विल गिव द क्वेश्चन एंड आंसर बुक एक्सरसाइज इन अ PDF फॉर्म। यू हैव टू सी द PDF and complete your question answer and word meaning in your notebook and book exercise in your book. Thank you, class.